हिंदी खबर ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राहुल की सुरक्षा को लेकर बात की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल की सुरक्षा में कौन सी चूक हुई है। उन्होंने यहां तक कहा कि जो सुरक्षा कैटेगरी उन्हें मिलनी चाहिए उससे ज्यादा मिली हुई है। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनिए। कांग्रेसियों ने अमित शाह जी से शिकायत की है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में दिल्ली में चूक हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी। जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लगातार कांग्रेस वालों का कहना है कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई। कहां चूक हुई? वो तो कोई दिक्कत नहीं हुई उनको। जो कैटेगरी के हिसाब से जितनी सुरक्षा चाहिए उससे ज्यादा उनको मिली। पूरी यात्रा में उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। आगे भी वो यात्रा में जाएंगे तो सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो सबको एक नजर से देखते हैं। ये कांग्रेस की सरकार थोड़ी है जो सुरक्षा में भी पार्टी देखेगी। हम लोग तो एक निगाह एक नजर से देखने वाले लोग हैं और उनको सुरक्षा मिलेगी। वही देखिए, सलमान खुर्शीद की अगर बात की जाए तो सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश को रुख कर रही है। उनका कहना है कि देखिए कांग्रेसी भरत हैं और भगवान श्री राम जैसे हैं राहुल गांधी। नहीं, कांग्रेसियों को क्या हो गया है? एक यात्रा में चंद कदम चल के लिए भगवान हो गए? मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कोई भी उपाधि दे रहे हैं, कांग्रेसी भरत हो जा रहे हैं। सिर पर राहुल गांधी तो क्राउन पहनते नहीं तो क्या करेंगे? वो जो उनका जो भी जूता है वही लेके जाएंगे वो। तो कौन लक्ष्मण है, कौन भरत है, ये तुलना होती है कहीं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम बनने के लिए बहुत वो एक ही होते हैं, उनसे कोई तुलना नहीं हो सकती। और कांग्रेस के लोग इस तरह की बयानबाजी करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। लेकिन यात्रा को लेकर तो पहले ही कांग्रेस कह चुकी है कि बीजेपी हर हालत में चाहती है कि हमारी यात्रा आगे ना बढ़े। नहीं तो जनता ने उनकी यात्रा रोकी हुई है ना। लोकसभा में दो बार विपक्ष के नेता नहीं पद नहीं मिल पाया कांग्रेस को। ना जनता उनको सत्ता के लायक समझती है ना विपक्ष के नेता के लायक, तो उसमें हम क्या करें। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे यहाँ शाहनवाज हुसैन जी को, जिनका कहना है कि ये तो जनता है जिसने ना उनको सत्ता के लायक समझा है ना विपक्ष के लायक समझा है। कर्ण निशांत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, दिल्ली। वहीं पुलिस प्रशासन पर कांग्रेस नेता वैभव वालिया ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राहुल की सुरक्षा चूक मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की और कहा कि पुलिस प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। पिछले कई दिनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी की सुरक्षा में थोड़ी सी लापरवाही के चलते कांग्रेस ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को खत भी लिखा है। बात कर लेना चाहेंगे, हमारे साथ वैभव वालिया जी हैं जो कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं और कांग्रेस से सीनियर युवा नेता भी हैं। वैभव जी, किस तरीके से आप इस सारी चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि लगातार दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो लापरवाही सुरक्षा में और वहीं दूसरी तरफ आपने भी हरियाणा में इस तरीके की बातों को उठाया। देखिए ये मामला तब से है, 23 तारीख को सुबह हमारी एक कलीग यात्रा में शामिल होने से रह गई थी और सुबह 7 बजे उन्होंने ये महसूस किया कि उनके कंटेनर का दरवाज़ा कोई बाहर से खोलने का कोशिश कर रहा है। जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति बगल वाले कंटेनर से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि भैया आप जो है क्यों इस कंटेनर में घुसे हो, तो वो दोनों व्यक्ति भाग जाते हैं। फिर इतने में एक तीसरा व्यक्ति कंटेनर से बाहर निकल रहा होता है, उसको हमारे साथी कॉलर से पकड़ लेते हैं, उसको पूछते हैं कि जब तक तुम बताओगे नहीं कि तुम कौन हो तुमको हम जाने नहीं देंगे। इतने में वो भी कहता है कि मैं टॉयलेट करने गया था और हाथ झटक के भागने लगता है। हमारे साथी हल्ले मचाते हैं, कैंप सिक्योरिटी को बुलाया जाता है, उनमें से दो लोगों को पकड़ लिया जाता है और एसएचओ को जब हमने वो सुपुर्द करा उन लोगों को, उन्होंने अपने तीसरे व्यक्ति की भी आइडेंटिटी बता दी और मेरे को अनऑफिशियली ये पता चला कि वो हरियाणा पुलिस के ही स्पेशल यूनिट के लोग थे। इसीलिए वो आए थे, यही पूछने का सवाल है। इसीलिए हमने, जैसे ही मुझे पता चला, मैं यात्रा में था, मैंने भारत यात्रियों के बिहाफ पे ये कंप्लेंट लिखाई। मैं खुद सोना सिटी गया थाने, मैंने एसएचओ से मिला, मैंने एक लिखित शिकायत दी। आज तक उस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो व्यक्ति क्यों कंटेनर के अंदर घुसे थे,
ये जांच का विषय है, ये जांच होना चाहिए। किसी नेक नियत से तो नहीं घुसे थे बैबू जी? अगर किसी राजनीतिक दल के लोग होते हैं तो समझ में आता है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग? पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों का हमारे कंटेनरों के अंदर छानबीन करने का, अनऑथराइज घुसने का क्या मतलब है? पीछे की वजह क्या? यही पीछे का वजह है, कोई भी नेक नियत से वो लोग नहीं घुसे थे, इतना हमें महसूस होता है। क्या वजह थी वो हम नहीं जानते हैं, क्या वो कुछ प्लांट करने आए थे, क्या वो क्या कोई साजिश रचने के लिए आए थे कि बाद में आके इन लोगों को पकड़ेंगे, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये पुलिस को जांच करना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। चार दिन हो गए हैं, कोई जांच नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक और सवाल है कि बीजेपी अब लगातार कह रही है कि हमारा मुख्यालय कांग्रेस के मुख्यालय के साथ बनना शुरू हुआ, हम कब का शिफ्ट हो गए, आखिर कांग्रेस कब शिफ्ट होगी? देखिए, मुख्यालय में शिफ्ट होना ये रिसोर्सेज का मामला होता है। जिसके पास में ज़्यादा रिसोर्सेज होती हैं, जिसके पास में सारे देश की लूट का कमाई का धन आ रहा होता है, उसके लिए बड़ा आसान है, वो एक दफ्तर क्या, वो 25 दफ्तरों में कभी भी शामिल हो सकता है। और रिसोर्सेज जिसके पास में संसीमित होते हैं, वो ये कोशिश करता है कि पहले जन आंदोलनों में वो पैसे को लगाया जाए। हम भारत जोड़ो यात्रा में वो पैसा पहले लगाना मंजूर है हम लोगों को, और दफ्तर में हमें बाद में शामिल होना भी मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बात की वैभव वालिया से। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, यात्रा कितनी सफल होती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। कांग्रेस के सीनियर लीडर छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस बीच कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस आज अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है, और ऐसे में आज भी सत्य की राह पर चलने वाली कांग्रेस की पार्टी है जो लोगों को एक साथ लेकर सच्चाई के साथ आगे बढ़ती है। कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही, और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से सीनियर लीडर, छत्तीसगढ़ से प्रभारी हैं कुमारी शैलजा जी हैं। मैम, किस तरीके से आप देख रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के इसने सेंचुरी तो पहले ही पार कर दी है, 138वां स्थापना दिवस मना रही है। जी बिल्कुल, और जो उद्देश्य उस समय था आज भी है, तब स्वाधीनता चाहिए थी हमें अंग्रेजों से, अब हमें स्वाधीनता चाहिए, आज़ादी चाहिए। जो एक संकीर्ण विचारधारा इस देश पर थोपी जा रही है, उससे हमें स्वाधीनता चाहिए, और हमें लोगों को जोड़ना है जैसे उस समय गांधी जी ने जोड़ा था इस देश को। आज राहुल गांधी जी जोड़ रहे हैं एक प्रेम सूत्र में, जो नफरत फैलाई गई है एक विचारधारा द्वारा, उसको दूर करके लोगों को फिर से अपनी संस्कृति, अपना प्यार याद दिलाने। शैलजा जी, आप विचारधारा की आपने बात की, लेकिन लगातार जो आरएसएस को लेकर के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पर तंज भी कसा जा रहा है, जिस तरीके से सलमान खुर्शीद जी ने बोला कि राहुल गांधी को श्री राम का रूप देते हुए, उसको लेकर भी काफी सियासत बवाल देखने को मिल रहा है। कोई कुछ अपने ढंग से कह देता है, कोई कुछ कह देता है अपने ढंग से, मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों को इतना राजनीतिक रूप देना चाहिए। एक अंतिम सवाल की किस तरीके से आप देखेंगे, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी बनाया गया है, क्या कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि अगले साल वहां पर भी चुनाव होने हैं, एक साल ही महज बाकी हैं, किस तरीके से कांग्रेस को मजबूती छत्तीसगढ़ के आपके प्रभारी बनने पे मिलेगी? वहां पर देखिए, मेरे प्रभारी बनने की बात नहीं है, बात ये है कि प्रभारी तो मुझसे पहले पूनिया जी थे, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, और असली बात यह है कि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, वहाँ की हमारी सरकार, बघेल जी मुख्यमंत्री हैं, बहुत बेहतरीन काम वो और उनके साथ ही पूरी सरकार कर रही है। नए नए फैसले लिए गए हैं जिनसे आम लोगों को, गरीब लोगों को वहाँ पर बहुत फ़ायदा मिला है। बेशक केंद्र सरकार उनके साथ ना केवल भेदभाव कर रही है राज्य सरकार के साथ, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ, लेकिन वहाँ हमारे लोगों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है आप देख रहे हैं, चाहे ईडी हो, आईटी हो, हर एजेंसी को वहाँ पर खुला छोड़ा गया है। लेकिन इसके बावजूद हमारी पार्टी वहाँ मजबूत है, ज़मीन पर मजबूत है, और लोग कांग्रेस को चाहते हैं। उन्होंने पहले बीजेपी का भी राज देखा, और उससे उन्होंने, वहाँ के लोगों ने एक आवाज़ उठाई, कांग्रेस ने मेहनत की, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन भी राहुल जी से प्रेरणा लेते हुए पूरी कांग्रेस पार्टी वहाँ पर काम करेगी, और आने वाले वक्त में लोगों की आवाज़ है, लोग चाहते हैं कि फिर से कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार बने और ज़्यादा मजबूती से बने। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बात की कांग्रेस से सीनियर लीडर, छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा से। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कांग्रेस को क्या कुछ मजबूती राहुल गांधी के माध्यम से मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस बीच विधायक ने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशी के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसलिए विजिट कर रहे हैं क्योंकि हम काम करते हैं, निगम में साफ सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। विधायक सहीराम ने खास बातचीत में और क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए।
आम आदमी पार्टी ने निगम का चुनाव कूड़े के मुद्दे पर लड़ा और जीत भी आम आदमी पार्टी को मिली। और ऐसे में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशी के साथ ओखला लैंडफिल साइट का विजिट भी किए हैं। बात कर लेना चाहेंगे, सही राम जी हमारे साथ हैं जो कि तुकलकाबाद से आम आदमी पार्टी से विधायक हैं। सही राम जी, किस तरीके से आप इस पूरे विजिट को देखते हैं और क्या लग रहा है जो कूड़े के मुद्दे पर आपकी सरकार निगम में जीत दर्ज की है, क्या कुछ काम किया जाना है? नहीं, देखिए आपको इसी बात से अंदाजा लग जाना चाहिए कि अभी 6 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, मेयर का चुनाव भी होना है। उससे पहले ही जब डिप्टी सीएम खुद आके मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो इससे लोगों को अंदाजा लग जाना चाहिए कि कितनी स्पीड से काम आगे चलने वाला है। क्या लग रहा है ये जो 15 सालों में कूड़े के पहाड़ समतल में नहीं तब्दील हुए, कितने दिनों, कितने महीने, कितने साल का टारगेट आम आदमी पार्टी लेके चल रही है? देखिए अभी यहाँ सेंट्रल जोन के डीसी महोदय थे और डिप्टी कमिश्नर रहे मैडम, उनसे अभी बातचीत हुई है। तो अभी जो इसकी स्पीड है आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर हम इस स्पीड को 2 गुना की बजाय 2.5 गुना बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे बढ़ाएंगे? मशीनें आ रही हैं, स्टाफ बढ़ेगा, सब कुछ होगा, मशीनें बढ़ाई जाएंगी। क्या लग रहा है इन कूड़ों से कुछ अलग तरीके की खाद या एनर्जी कुछ चीज़ें बनाई जाएंगी या सिर्फ और सिर्फ ये कूड़ा ही बना रहेगा? नहीं 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 नहीं, इसको अभी आपने देखा होगा प्लांट पे गए हैं हम, तो उसमें 3 तरह का मटेरियल निकल रहा है। एक मटेरियल है जो जाएगा नेशनल हाईवे पे, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, रोडों में जाएगा। एक रॉ मटेरियल है, उसको दोबारा रिसाइकलिंग करेंगे। कुछ पत्थर हैं, उनको अलग कर रहे हैं। 3 तरह से इस पर काम चल रहा है अभी और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे। मेयर और डिप्टी मेयर को लाने का मेन मकसद क्या रहा? देखिए उनको जानकारी में होना चाहिए ना जी, आने वाले हैं वो, आगे उन्हें क्या काम करना है पहले से जानकारी होनी चाहिए ना, इसलिए उनकी विजिट करानी जरूरी है। इतना दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर आपकी निगम की सरकार उतरेगी? 101%। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बात की आम आदमी पार्टी से, तुकलकाबाद से विधायक सही राम सिंह का साफ तौर पर कहना है 101% जो दिल्ली की जनता से कमिटमेंट दिल्ली सरकार ने चुनाव के समय किए वो उस पर खड़ी उतरेगी और देखते हैं आने वाले दिनों में आखिर दिल्ली के 3 कोड़े के पहाड़ किस तरीके से समतल में तब्दील होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव साफ सफाई के मुद्दे पर लड़ा था और इसमें जीत भी हासिल की है। और ऐसे में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशी ओखला लैंडफिल साइट पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए 15 साल नहीं लगाएंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली को साफ सुथरा करके दिल्ली की जनता को कूड़े से निजात दिलाएगी। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा में 6 माह के कार्यकाल और आजादी के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रथम बार महिला सदस्यों हेतु विशेष उपवेशन की पुस्तकें भेंट की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मोदी के अस्वस्थ होने पर चिंता जताई और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, एक मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं कामना करता हूँ कि आपकी माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं।